माँ जी अपना हक मांग रही, कोई भीख नहीं। मीना को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी रिया के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतजार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज मीना ने भी अच्छे से बॉम्ब प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा खत्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी नैना देवी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई घुसी और गुस्से से बोली, बहू शर्म लिहाज क्या चूल्हे में झोंक दिया? यह क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को? क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या? अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी, मीना ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कभी सुना कि एक बहू ने ससुर से यह सब सामान मंगवाया? क्या यही संस्कार तुमने सीखा है? एक बहू को यह सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर रिंकी ननद ला देती। नैना देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 रुपये भी नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी? मीना ने सासू जी को याद दिलाया। मीना का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति अजय दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननद हैं। अभी रिया छोटी है इसलिए मीना अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। अजय 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी मीना और बेटी रिया के खर्चों के नाम पर अपने लिए अजय से मोटी रकम ले लेती थी। मीना जब अपने लिए पैसे अजय से मांगती तो नैना देवी चीनी की बोरी बन जाती और कहती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर? अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या पापा जी से कहना, सब ला देंगे। यह उस समय की बात है जब सैलरी हाथ में मिलती थी और एटीएम या यह कहिए डिजिटल शब्द सिर्फ शब्द था। फिर भी मम्मी जी कुछ तो मेरे पास होना चाहिए, ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और रिया का सामान भी है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। मीना नैना देवी को समझाने की कोशिश करती है। ओ अब समझे हम, तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी? और फिर नैना देवी का इमोशनल नौटंकी चालू हो गया। देखा बेटा, मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रिंकी में मैं कोई फर्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दो। और फिर अजय से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकाल कर मीना के हाथ में रख दिया। मम्मी जी अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और मीना ने 100 रुपये वापस कर दिया। वैसे तो मीना अपनी और रिया की ज़रूरत का सारा सामान अजय से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक? कुछ ना कुछ सामान कम हो ही जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे नैना देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि नैना देवी एक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हों या मीना को दे दें। हर बार की तरह इस बार जब अजय वापस जाने लगा तो अजय मीना को भी पैसे देने लगा। तो नैना देवी जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी तुरंत अंदर आ गईं। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे? मीना तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं? तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं? बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। मीना जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते
तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी जरूरत का सामान किससे मंगवाऊं? शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। अजय ने मीना को डांट दिया। इस बार मीना को समझ आ गया कि उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया। और अब आप समझ ही गए होंगे कि लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने नैना देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और नैना देवी बम बनकर मीना के ऊपर फटने के लिए आ गईं। मैं अपने मजे करने के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती, औरतों की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती, लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे की भी। बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती हैं और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती हैं। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। मीना की बात सुनकर नैना देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।